बाहर दिल्ली के अंदर मई महीने में 25 डेंगू के केस आए हैं। 2013 से पहले आज तक कोई भी केस मई के महीने में नहीं आए थे। जनरली जब एक बार बारिश स्टार्ट होती थी उसके बाद कुछ कुछ केसेस आते थे। इसका जो एक मेन कारण है कि समय समय पर जो डेंगू के मच्छर होते हैं उनकी जो लार्वा से जिस लार्वा से ये मच्छर बनते हैं उस लार्वा को मारने के लिए दिल्ली के डीबीसी कर्मचारी फॉगिंग करते हैं, घर घर जाके वो चेकिंग करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि दवा डाल डाल के हर जगह डेंगू के लार्वा को बनने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी इन सारे कामों को देखती है और उसका एक मेन सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वो समय पर डेंगू के दवा का छिड़काव कर दे। लेकिन जो ये मई महीने में 25 केस आए हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी इसका ऑब्जर्वेशन लिया है और उसने ये कहा है कि ये खतरनाक हो सकता है अगर सही समय पे कार्रवाई ना की जाए। हमने सारा कुछ पता किया तो पता चला कि डेंगू के मच्छर की लार्वा जो इसकी मेडिसिन है उसका छिड़काव तो तब करेंगे जब मेडिसिन खरीदी गई हो। अभी तक ये दवा ही नहीं खरीदी गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल हमने एक डॉक्यूमेंट आपको रिलीज़ किए थे और बताया था कि किस तरह से ये डेंगू की दवा दिल्ली के अंदर 3600 रुपये का ख़रीदा गया, 3600 रुपये पर केजी के हिसाब से हज़ारों किलोग्राम खरीदे गए, जबकि यही दवा भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की जो म्युनिसिपल काउंसिल है इसी दवा को उसने 2400 रुपये में खरीदे थे। ये मैंने पिछले साल प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको दिखाए थे। लेकिन पिछले 2 महीने से कभी कमिश्नर साहब के पास फाइल जा रही है, कभी मेयर साहब के पास फाइल जा रही है, लेकिन दवा नहीं खरीदी गई और दवा ना खरीद करके दिल्ली वालों की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। मैंने पता किया, अंदर बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने हमें बताया कि 2 महीने से किससे दवा खरीदनी है ये फाइनल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कमीशन सेट नहीं हो पा रहा इनका। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस दवा के खरीदने में कमीशन पाते हैं और वेंडर से इनका कमीशन सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे ये दवा खरीदी नहीं गई अब तक। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आम आदमी पार्टी है आपको इधर उधर रेड करके खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को पता है कि किस म्युनिसिपल काउंसिल ने कितने रुपए के कौन सी मेडिसिन खरीदी है और आपको जो सबसे सस्ता रेट है भोपाल का उस रेट पे आपको खरीदना होगा इसका मेडिसिन। अगर आप इससे बढ़ा चढ़ा के कमीशनखोरी करेंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी सरकार नहीं बनती तब तक मीडिया में जनता के बीच में इसको उठाएंगे और एक बार सरकार बनने के बाद आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि डेंगू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है लेकिन आज मई के महीने में 25 केस आए हैं, इसका मतलब ये खतरनाक रूप ले सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपका काम है किसकी दवा खरीदें, आपका काम है किसका छिड़काव करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आह्वान करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से जो आप फाइलें इधर से उधर कर रहे हैं, नए वेंडर्स के साथ कमीशन सेट कर रहे हैं, ये कमीशनखोरी बंद करिए और जो ईमानदारी से जो रेट है उस रेट के आधार पर आप तुरंत के तुरंत मेडिसिन खरीदिए और अपने डीबीसी कर्मचारियों को दीजिए जिससे वो चेकिंग में उस दवा का इस्तेमाल कर सकें और फॉगिंग में उस दवा का इस्तेमाल कर सकें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। हम इस मुद्दे को जनता के बीच में भी ले जाएंगे और इसको जनता को जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? ये 3400 26 पर क्विंटल के हिसाब से था, 3600 3600 पर क्विंटल।
केजी 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 नॉट कुंटल नहीं, हाँ पर केजी के हिसाब से था, और क्वांटिटी में आपको बता दूंगा पता नहीं कितने क्विंटल लिया गया था, और 2400 रुपये इसका रेट था, भोपाल ने दिया था पर केजी, जो कि इन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे। पिछले साल की बात है, अभी तक वो दवा भी नहीं खरीदी नॉर्थ एमसीडी ने, जबकि उनको खरीद लेना चाहिए दवा, क्योंकि उसका अभी से 2 महीने पहले से ही छिड़काव होना शुरू हो जाता है। और बाकी दोनों एनसीडी में उन्होंने शायद प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने भी अभी तक नहीं खरीदा जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन नॉर्थ ने तो बिल्कुल अभी तक प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया। इसलिए सही समय पे दवा खरीदी जाए, छिड़काव हो, जिससे दिल्ली को डेंगू से बचाया जा सके। धन्यवाद। कुछ सवाल है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए सेंटर में। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। अभी तक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, खासकर वर्तमान समय में? देखिए, आज किसी भी व्यक्ति से बातचीत करिए, 2014 में किसी चीज़ का रेट उठा लीजिए और आज 2021 में उसका रेट उठा लीजिए, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिसका रेट 2 गुने से कम हुआ हो, 4 गुने से कम हुआ हो, 5 गुने से कम हुआ हो। महंगाई बेलगाम हुई है, जिससे इस देश का आम नागरिक परेशान है। किसान पिछले 6 महीने से सड़कों पे बैठा है, उसकी ज़मीन अडानी और अंबानी को देने की तैयारी में सरकार है, किसान उसके लिए संघर्ष कर रहा है। देश की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, देश के अंदर बेरोजगारी एक अलग ही लेवल पे बढ़ रही है, जीडीपी माइनस में जा चुकी है, और तो और सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि कोरोना के अंदर ये सरकार इतनी फेल हुई कि आज कोरोना की वैक्सीन इस देश के लोगों को नहीं मिल रहा है, इस देश के युवाओं को नहीं मिल रहा है, ठोकर पे ठोकर खा रहे हैं इस देश के युवा, और किसी को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही है, अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, और अगर किसी की मौत हो जा रही है तो उसके लिए कब्र भी नहीं मिल रही, उसके लिए दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा फेल्योर कोई देश का आज तक का कोई शासनकाल रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 साल बहुत बुरे रहे, अब तो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि जो पहले वाले दिन थे वही वापस ला दो। बहुत बहुत धन्यवाद।